नमस्कार दर्शक बंधु, जीवन जिज्ञासा कार्यक्रम को स्वागत करुच्छी मु सोनालीसा। दर्शक बंधु, प्रत्येक थर तो आम भिन्न भिन्न विषय वस्तु आम स्वतंत्र कार्यक्रम आलोचना करे। आज आम जाना कि अँला नवमी केवे पड़ुची किपर भाव में पालन कराएं से विषय में आमको अधिक जाना वर्तमान आम सहित अच्छा ज्योतिर्विद पंडित चित्तरंजन महापात्र सर। नमस्कार। नमस्कार आपको बहुत बहुत स्वागत आम स्वतंत्र कार्यक्रम जीवन जिज्ञासा। तबे आम समस्त मन में कौटना कौटे बहुत सारा प्रश्न थाए, तो आज भी गोटे प्रश्न सेमती अच्छी कि अँला नवमी केबे पड़ी थाए और यही अँला नवमी को किपर भाव में पालन कराए। कार्तिक मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि ही अँला नवमी पालन करें। कार्तिक मसटे एमती एक पुण्य मस, तार प्रत्येक तिथि एक पर्व शास्त्र, प्रत्येक दिन प्रत्येक तिथि एक पर्व अटे। जमी पूर्व दिन गोष्ठाष्टमी कहते आज्ञा, अष्टमी तिथि गोष्ठाष्टमी नाम आम पालन करुच्छे आज्ञा। सेमती कार्तिक मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि ही भगवान दामोदर पूजा वमें अँला नवमी पालन कर था। तो यहाँ केवे पड़ू से जाना आवश्यकता है। तो केवे पड़े नवेम्बर 10 तारीख रविवार दिन, आसंता नवेम्बर 10 तारीख रविवार दिन अँला नवमी पड़ुची। आपण से दिन किपर पूजा करेंगे जी शास्त्रानुमत अनुसार जीवा आम अँला नवमीर महात्म्य आम कार्यक्रम मध्यम बारंबार आम आगु भी कहीचे कि अँला वृक्ष बा अँला नवमी कहले अँला नवमी दिन अँला बोली एक वृक्ष अच्छे आप समस्त जानते प्रत्येक मंदिर व शैवपीठ देखा पाइबे से वृक्ष को अँला नवमी आम पूजा करूँ। एमती एक वृक्ष तार प्रत्येक फल पत्र सबू शास्त्रानुसार आमर उपयोगी अटे बामर घर जोटा चिकित्सा तार फल को व्यवहार करुचे आज्ञा, अम्ल रोग कि पित्त रोग व्यवहार करुचे आज्ञा। तो निश्चित अँला वृक्षटी हो दामोदर वृक्ष कहुए बा विष्णु वृक्ष सूत्र कहुए आज्ञा बा महालक्ष्मी कृपा मध्य से वृक्ष भी मिली थाए बा से दिन आम साक्षात तो अँला वृक्ष को पूजा करवा जहाँ विष्णु को पूजा करने सहित सामान बोली आम से दिन कह आज्ञा। गोटे अँला नवमी दिन किपर पूजा करेंगे आप जानते आम जो मैंने हबिष करुवे से ही दिन आमर से वृक्ष पाखे रोसई कर लग कर वृक्ष पूजा कर बसिकी सब हबिष माँ मैंने जो था भक्षण करती आज्ञा अँला वृक्ष मूल आपत देखिए अगर दिन अपेक्षा अँला वृक्ष मूल अँला वृक्ष पाखे जदि अँला नवमी दिन बसी भोजन करती बहुत पुण्य प्राप्त होता है शास्त्रानुमत रही आज्ञा। तो निश्चित भाव से ही दिन मु प्रत्येक व्यक्ति विशेष को परामर्श देवी शाकाहारी भोजन सहित से प्रात स्नान पर अँला वृक्ष को गोटे दीप प्रज्वलन करेंगे दीपटे जाड़े आज्ञा बा अँला आप अँला वृक्ष गोटे सब सालुकना बा कोना बांधि था मानसिक रखी बांधि था बा अँला वृक्ष कले आपर आर वर्ष सुधा भितर जे मानसिक जहाँ कर पूरण होज्ञा बोली शास्त्र मत लेखा अच्छे लोक जारी मत गोटे लेखा अच्छे आज्ञा चिंताधारा आमर रही। तो मुझे प्रथम तो कह अँला नवमी दिन प्रत्येक व्यक्ति कौन सी बयस तारतम्य नाई पुरुष नारी बा प्रत्येक वृद्धा टू वृद्ध वयस्क व्यक्ति समस्ते चाहिए मध्यमी खाली आप भविष्य जी कर जो माँ मैंने सीए केवल अँला नवमी पूजा करेंगे अँला वृक्ष पूजा करेंगे भाव भूल आज्ञा। आम प्रत्येक व्यक्ति विशेष से ही दिन अँला वृक्ष को पूजा करने सहित अँला वृक्ष मूल दीपदान करवा से शिव मंदिर हो विष्णु मंदिर हो दर्शन करवा पूजा अर्चना कले कोटि पुण्य मुझे जी कौली से दिन अँला आप देखिए समस्त जिनस अँला वृक्ष दर्शनम पुण्य अर्थात देखीदे पुण्य आज्ञा स्पर्शनम पापनाशनम अर्थात अँला वृक्ष को देखिक प्रणाम टे करेंगे आप पुण्य अर्जन करेंगे। द्वितीय तो रहा स्पर्श ता माटी तले वृक्ष को स्पर्श कर मुंडे मारे आज्ञा स्पर्शनम पापनाशनम अर्थात स्पर्श करदे आप सगर पाप जिते पाप थो सब दूरीभूत हो प्रत्येक व्यक्ति विशेष परामर्श देवी नवेम्बर 10 तारीख रविवार दिन अँला वृक्ष पूजा करतु दीप अर्पण करूँ अँला वृक्ष पारे मत भी सन्ध्या समय
ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, କଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପାଇଲୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଭକ୍ତଟିଏ ଲାଭ କରିଥାଏ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ସରିସରି ଆସିଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ନେଇ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।